अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। माशरे की खामियों को, सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। नाज़रीन, नारसिंगी पुलिस स्टेशन हदूद में एक लड़की जख्मी पाई गई थी, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मलेका नाम है और ये टांडूर की रहने वाली है और पिछले 9 महीने से यह ECL में रह रही थी, एक हॉस्टल में और कॉल सेंटर में काम कर रही थी। घर वालों को इत्तला मिली और घर वाले यहाँ पर पहुंचे। 15 तारीख को यह हादसा हुआ और इसके बाद नारसिंगी पुलिस के बयान पर इनको शक हुआ। पुलिस कह रही है कि एक्सीडेंट है, फिर कह रही है कि वहाँ पे CCTV कैमरा नहीं है। इस तरह से इनको शक होने लगा है। तो क्राइम ब्यूरो से बात करते हुए इन्होंने सारे तफसीलात बताई। इन्होंने कहा कि मलेका के साथ एक महेश बोल के लड़का रहता था, उसकी ये साजिश दिख रही है और महेश और मलेका के कोई रिश्ते भी थे और क्योंकि 3 महीने की ये लड़की पेट से भी थी, हमेला भी थी और जेर इलाज है, शदीद जख्मी है। इनके घर वालों का कहना है कि मलेका को जान से मारने की कोशिश की गई और ये एक्सीडेंट की शक्ल दे रहे हैं। पुलिस को पूरी ईमानदारी से तहकीक करने की ज़रूरत है। पुलिस पर कहीं ना कहीं सवाल टूट रहे हैं, क्या पुलिस कौन सी चीज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। इसी बात को सामने लाने के लिए उन्होंने क्राइम टुडे का सहारा लिया और क्राइम टुडे के जरिए उन्होंने ये इंसाफ मांगने की कोशिश की कि किस तरह से लापरवाही कर रही है पुलिस। हम भी उम्मीद करते हैं कि पुलिस पर लोगों का एतमाद है और वो एतमाद को तोड़े नहीं और पूरी ईमानदारी से काम करें और जो भी इसमें कसूरवार है, चाहे वो हादसा हो या फिर सोची समझी साजिश या कत्ल करने की कोशिश, जो भी सच्चाई है वो सामने आने की ज़रूरत है, तभी जाकर लोग पुलिस पर भरोसा रख सकेंगे। बहरहाल, क्राइम ब्यूरो से बात करते हुए इन्होंने सारे तफसीलात बताई। शेख शफी और शेख साजिद की ये रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम दौलत भी, हम लोग तांडू रुद्र मलकापुर के खेड़े में रहती हैं। हमारी बच्ची 9 महीने से यहाँ रहती है, 9 महीने से रहती है। तो बच्चा इंस्टाग्राम में मोहब्बत हुआ कहते, वो पूरा पता हमारे को नहीं मालूम। उधर लेके जाके क्या मारे क्या करे नहीं मालूम। अब वो सिर तो मारे जैसा हमारे खाए, वो सिर पे कई को वास्ते मारे, हमारे कुछ का इन्फॉर्म नहीं दे रहे। 3 बार कॉल करे तो वो लोग उठा रहे नहीं, हमारे बात करा रहे नहीं। पुलिस स्टेशन को गए तो हमारे पुलिस स्टेशन से भगा दे रही। हाँ क्या गरीब लोगों को, हाँ क्या मैं नहीं दिखाया जैसा हमारे मतलब से होना, तो हमारे को क्या बता रहे हैं, सब होना हमारे को। नारसिंह पुलिस स्टेशन से ऐसे ही भगा दिया हमारे को वहाँ से। फोन भी ब्लॉक कर दिया। हाँ फोन भी ब्लॉक कर दिया और भगा दिया, चले जाओ तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। वो जो बच्चे के साथ एक्सीडेंट हुआ था, बच्चे को पकड़े वो? हाँ पकड़े, बच्चे को पकड़ी, बच्चे को मारने लगा, बच्चे कुछ नहीं मार लगा सर, अच्छा है बच्चा। हम पहले हॉस्टल में देखे, इसमें हॉस्पिटल में देखे, खुद बच्चे के सिर को एक मारने लगा और तीसरे दिन का तो बड़ी सो पट्टी भले का आया उन्हें सिर को। बच्चे का फोटो इतनी बड़ी पट्टी भले का है। मैं जाके पूछी तेरे कहाँ मार लगे, अरे तेरे हॉस्पिटल में नहीं मार लगा, तो बोले तो नहीं नहीं मेरे मार लगा। बोल को बोलता हूँ तेरे को हम देखे दिन तो मारने लगा था, तो आज किधर से मारा है? बोल के बोले तो नहीं मेरे को मार लगा, तुम लोग नहीं देखे तो बताना था, हमें भी तेरा भी कराते थे ट्रीटमेंट, उसमें क्या बड़ी बात नहीं, कराते थे। बोले तो वो नहीं सुन रहा, आज इतनी बड़ी पट्टी भले के आके वो हॉस्पिटल में बैठे। हाँ हेलमेट रख के ड्राइविंग करेंगे, वो बोल रहा हूँ। बच्चे तो मेहनत करके जीने के आई है, मेहनत करके जीने का है तो उन गलत हरकतें कहाँ करे, अब उसका हालत क्या करना। अब बच्चे का नाम क्या है? महेश है। तो हमारे तो इंसाफ दिलाना, हमारे 3 बार गए तो 3 बार हमारे पुलिस वाले हमारे कुछ भी बात आ रहे नहीं, कुछ भी नहीं, हमें कितना दिन फिरना, हमें हमारे इंसाफ दिलाओ, हमारे बस है हमारे। हाँ इरंजी हॉस्पिटल बहुत डेंजर है, हमारे बच्चे हमारे बस्ती नहीं, हमारे हाँ कुछ भी नहीं है, खाली पाइप है, एक पाइप निकाले तो बस खत्म हो जाती है, लेके जाना है हम, खाली कुछ नहीं है। अब क्या उम्र है आपकी बच्ची का? 20 साल है हमारे बच्चे का। नाम? मलेका है, 20 साल की है, मलेका है, उसमें कुछ नहीं है भरे को। हमारे बच्ची तो हमारे बचरी नहीं, फिर पुलिस वाले को क्या हुआ होगा, 3 बार दिया तो 3 बार किधर मुधर के छटे होंगे हमारे को। पुलिस वाले से होना आना, इतना बड़ा गांव है हमारे, हमारे कई को ये नहीं कर रहे। अगर वही एक गांव में रहते तो लोग पकड़ते नहीं थे, यही गांव के रहते तो पकड़ लेके जाके बिठा डालते नहीं थे। हम खेड़े के है बोलकर हमारे कोई भी बता रहे भी नहीं, इन लोग खेड़े के है बोलकर पुलिस वाले तो पूरा निगाह में भी नहीं ले रहे हमारी बात।
क्यों नहीं ले रहे हमारे, क्या हमें भी इंसान नहीं होते उनके जैसा? परसों बोली चाचा मैं क्या बोले, तुम क्या बात करते, चले जाओ बोल के बोले हमारे, तुम्हारे पास कुछ आंसर नहीं है, चले जाओ बोल के बोला। ये सही काय के वास्ते बोला? एक लेडीज को बिठा के बात करने का उसका नहीं है फर्ज उसका? हाँ क्या वास्ते उन बाहर भिजाया, क्या मतलब से हमारे को, हमें इंसाफ करो बोल का है तो हमारे चले जाओ गेट के बाहर बोल के बोल दिया, काय को हकाल दिया, क्या वास्ते हकाल दिया? उन क्या बोला मालूम है, बच्चे को लेकर के बिठा तो अगर बच्चे का कुछ तो हुआ बोले तो तुम देखते क्या बोले, तो मेरी बच्ची क्या अभी हो रही थे भाई को नहीं पूछना, उसके बच्चे को हुए तो कुछ तो बोलता कहते लिखा के रखते हूँ और कुछ भी हुए तो तुम्हारे ऊपर आता, बोल रहा हूँ ऐसा ही हमारे बच्चे कुछ भी नहीं कहते उसके नहीं, ये बच्ची हमारी बेटी है, हाँ ये बच्ची हमारी बच्ची है, 9 महीने से इधर रोका हमारे कितना ये है, हमारा मतलब क्या है उनको पुलिस वाले उनको कहीं पर रखें यही काम के लिए था ना, बड़ा वाला पुलिस वाला बोला तुम्हारा पूरा करतूँ मैं पूरा करतूँ बोला, अभी तक कुछ नहीं करे बड़े वाले पुलिस वाले भी, हाँ उन्होंने भी लिखा लिया साइन करा लिया, कितने जगह लिखना कितने जगह साइन कराना मालूम तो होना ना हमारे को, करते बोले जाने का हम लोग खेड़े बोल के पूरे जगह साइना करा ले रहे, फिर इतनी है तुम्हारी हालत ऐसा करना ऐसा बोल देना बोल के हमारे को भी थोड़ा बताना ना पुलिस वाले ओके, कुछ करने का रही है 9 महीने से इधर ही रही है, अच्छी थी बच्ची बोल के हम सोचे मगर इतना गलत होते से हमारे क्या मालूम, हम सोचे भी नहीं वो बात हमारे क्या मालूम इतना गलत होते सो, महेश नाम था। बच्चे का महेश नाम है, बच्चा कह रहा था है, नहीं मालूम कह रहा था कि नहीं मालूम होता, हमारे को वो जरूर है, देखो हमें अब पढ़ते से ये बोलती क्या बोलती है, ये बच्ची के जान खतरे में है, उतना खतरे में लिखा है वो बच्चा हमारा बच्ची की जान, उन तो बेफिक्र है तो बच्ची की जान खतरे में रखा उन, हाँ हमारे इंसाफ दिलाओ बस हमारे, हम जरूर है हमारे इंसाफ दिलाना हमारा फर्ज तुम्हारा फर्ज है, कितने दिन हुआ आज को 11 दिन हुआ कोई पूछ के देख रहा नहीं, कोई पुलिस वाले आके क्या हो रहा बोल के बोल रहे नहीं, हम कमाने के लिए खाने के लिए तो भिजाए गाँव छोड़ के गाँव को बच्ची को वहाँ जाके कमा तुम बोले तो ठीक है, माँ हमारे को भी 10 रुपये आसरा होती हूँ बोल के बोले, हमारी बच्ची को मट्ठी में मिला के रखा उन, फिर पुलिस वाले कुछ भी नहीं बता रहे हमारे को, हमारे को बताना हमारे इंसाफ करना हमारे। मेरा नाम खाजा है, तांडूर एरिया है, हमारे बहन को एक्सीडेंट हो गया, हमारे बहन का नाम मलकापुर मलेका, हैदराबाद में 9 महीने से रहती थी, कॉल सेंटर में काम करती थी, 15 तारीख को एक्सीडेंट हो गया बोल के फ़ोन करे, बर्थडे भी था उस दिन, गंडीपेट एरिया में ले जाके कुछ वो एक्सीडेंट नहीं होता मार दिए बोल के महेश बोल के बच्चा लेके गया गाड़ी पे, एक्सीडेंट के साथ क्रेडिंग करे ऐसा है, पुलिस वाले फ़ोन करे तो हम लोग आए, नर्सिंग पीएस बच्ची को दौड़ने में वीरंची हॉस्पिटल में है, अभी तो ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत क्रिटिकल पोजीशन में है बोल के बोल रहे डॉक्टर, हाँ और एक प्रेगनेंसी भी है बोल के बोले, सिस्टर हम बोल रहे कुछ गलत काम किया लड़की से इसलिए एक्सीडेंट नहीं होता बोल के हम लोग को कुछ डाउट है, रोड नंबर 12 वीरंची हॉस्पिटल, और एक बात ये पुलिस वाले हमको कुछ भी हेल्प नहीं कर रहे, तीन बार हुआ हमारे कुछ तो भी एक मालूम होना है, इंसाफ देना है हमारे को, ये बात है। आपकी बहन का एज कितना था? 20 ईयर्स था, 20 साल थी हमारे बहन का एज, हम तांडर में रहता, हमारा दोस्त का बहन इधर हैदराबाद में रहता 9 महीने से, वो हॉस्टल में रुके ईसीएल में काम करता कॉल सेंटर में, उसको महेश बोल के एक बच्चा उसको क्या क्या बोल के उसको उससे प्यार किया, उसके बाद में प्रेगनेंसी किया, प्रेगनेंसी हुआ बोल के मालूम हो गए तो उसको बर्थडे का दिन गंडीपेटा में लेके गया, ले जाके मार के फेंक दिया, फेंक के क्या बोल रहा है अभी एक्सीडेंट हो गया गाड़ी टायर स्लिप होकर गिर गया बोल के क्रिएट कर रहा है, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया नर्सिंग एरिया में, पुलिस वाला भी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं हम लोग को, बच्ची तो आज तो कल जाने वाला है उसका बहुत क्रिटिकल है, डॉक्टर लोग बोला हम लोग को वो हम लोग को थोड़ा इंसाफ होना, अभी बच्चा कैसे छोड़ दिया तो अभी हम लोग का बच्चा बच्ची कैसे किया कि दूसरा कल 2-3 बच्चे की भी ऐसे कर सकता, उसको हम लोग को इंसाफ होना भैया, उसको వదిలిపెట్టదండి ఎందుకంటే ఈరోజు మా పిల్ల దగ్గర ఇట్లా చేశాడు రేపు ఇంకా ఒకరికి ఇద్దరికి కూడా మళ్ళీ చేస్తాడు ఎందుకంటే ఆయనకి ఒక మాకు న్యాయం చేస్తే ఇంకొకరికి కూడా తెలిసొస్తుందండి వేరే వాళ్ళకు కూడా ఇట్లా చేస్తే శిక్ష పడుతుందని చెప్పి అనేసి అతన్ని మాత్రం వదలొద్దండి దయచేసి మాకు పోలీస్ స్టేషన్లో న్యాయం జరగట్లేదు కొంచెం మీరన్నా మాకు న్యాయం చేయండి అలా